हमारे लिए जानना बेहद दिलचस्प होगा कि नए वर्ष में एनपीएक्स यानी नेशनल पेंशन स्कीम ईई श्रेणी में आ जाएगी और हाल ही में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी। इसका अर्थ यह है कि वित्त वर्ष 2019-20 से एनपीएस की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर या रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से निकाले जाने वाली निकासी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी, यानी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान 0.1 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, तो यह निश्चित रूप से नए साल के लिए एक नई सौगात होगी जो नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों को मिलेगी।